गाइस, हम लोग जैसे ही समझो कि फ्लाईओवर से नीचे से यहाँ ब्रेस बीच में झिझिया बाजार है, जो कि बहुत ही ज्यादा रास्ता खराब है। बारिश में तो रास्ता बिल्कुल ही खराब हो जाता है। देखिए देखिए क्या सिचुएशन। अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। गाइस, अब यहाँ से आप लोगों को सही रोड मिल जाएगा। रास्ता सही है यहाँ से बिल्कुल। यहाँ तक का सफर बहुत ही मुश्किल। अगर आप लोग ब्रिज में नीचे से आते हैं तो इतना गड्ढा ना कि गड्ढे में क्या सिचुएशन है। अभी क्या हुआ, माय गॉड, पता है आप लोगों को, ये दोनों बस के मिडिल से एक बस घुस रही इधर से। एक्सीडेंट हो जाता है यार ऐसे। आज हम लोग जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जो है कोलकाता का न्यू टाउन में। वहाँ जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप शियालदा से मेट्रो लेके सेक्टर 5 मेट्रो उतरिए, वहाँ से बस लेके विश्व बांग्ला गेट, देन वहाँ से जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। टोटो का ऑप्शन अवेलेबल है, बट आपको रिजर्व करके जाना होगा। यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है। फॉर टू व्हीलर्स आपका 10 रुपीज़ पर आवर है, एंड फॉर फोर व्हीलर्स 20 रुपीज़ पर आवर। म्यूजियम का टाइमिंग है सुबह 10:30 से शाम 7:30 तक। मंडे पूरा क्लोज रहता है, एंड टिकट का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, एंड बिलो 3 इयर्स फ्री। यह है TU-142 एयरक्राफ्ट। 29 ईयर्स इंडियन नेवी में सर्विस करने के बाद 29 मार्च 2017 में इसका रिटायरमेंट हुआ है। और एक म्यूजियम है ये एयरक्राफ्ट का, जो है विशाखापत्तनम में। 2020 में ये एयरक्राफ्ट INS राजली तमिलनाडु से कोलकाता ले आया गया था, और 2022 में ये इनॉग्रेशन किया गया है।
मन है यहाँ झूला झूलने का, लेकिन यहाँ एक भी मेरे लिए नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चों के लिए है। मैं चढ़ नहीं गई थी, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ए बस मुझको। छोटी बच्चे हो क्या? ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए। कोई वॉशरूम नहीं है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको इसका बाहर जाना होगा, मेन गेट का। तो मेन गेट से बाहर जाने के लिए आपको अपने पास हमेशा टिकट रखिएगा और सिक्योरिटी को बोलिएगा, उन लोग एक टोकन बना देगा, तो आपको टोकन लेके फिर वॉशरूम करके अंदर आ सकते हो। एयरक्राफ्ट के अंदर घूमने के लिए एक बार ही परमिशन दी जाएगी, टिकट दिखा के एक बार ही आप अंदर जा सकते हो, नेक्स्ट टाइम नहीं जा पाओगे। तो जो भी देखना होगा आपको एक ही बार में घूम के आ जाना होगा। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं ऑपोजिट में ओयो हॉस्पिटल है, ओयो हॉस्पिटल के ठीक ऑपोजिट में आपका म्यूजियम होगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगा, फर्स्ट टाइम कोई एयरक्राफ्ट को इतना पास से और अंदर स्पेशली अंदर से हम लोग देखे, तो तुमको कैसा लगा एक्सपीरियंस शेयर करो। मुझको अच्छा लगा, मैंने इसके पहले भी एयरक्राफ्ट देखा है। कहाँ पर देखे हो? सपने में एयरक्राफ्ट देखे, वाह। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, आप लोग बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हो एक कोई भी एक संडे और वीकडेज में भी, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा टाइमिंग वगैरह हम दे देंगे। मैं बच्ची हूँ। हाँ तुम तो हो। तो गाइस लाइक कीजिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने में। गाइस और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट फ्राइडे वापस मिलते हैं आप लोगों के साथ।